सो हे गाइस, फाइनली हियर इज ऑल न्यू 2022 TVS Ntorq 125 XT एडिशन, जिसमें कंपनी ने बहुत सारे बदलाव करके एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी के साथ 60 प्लस स्मार्ट फीचर्स लाइक ब्लूटूथ, GPS, राइडिंग मोड, सोशल मीडिया एक्टिविटी, लाइव क्रिकेट स्कोर जैसी जानकारी आप इसमें देख पाएंगे। कीमत की बात करें तो इसकी ऑन रोड कीमत है 1,23,000 कोलकाता में। अभी हम इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको डार्क बैगनी कलर मिलता है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट का स्टिकर मिल जाता है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं फ्रंट में, बॉडी स्ट्रक्चर में कोई भी अपडेट नहीं है, TVS का लोगो इंटेलिगो फीचर्स मिल जाता है इस स्कूटर में। साइड प्रोफाइल की बात करें तो Ntorq की ब्रांडिंग मिलती है, ग्राफिक्स मिल जाते हैं डुअल टोन कलर के साथ, रेस ट्यून FI का स्टिकर मिलता है, 125 का यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिल जाता है थ्री टोन कलर के साथ। इसका आगे वाला जो मडगार्ड है वो लेमन ग्रीन कलर और ब्लैक कलर का दिया गया है। 220 mm डायमीटर की डिस्क मिल जाती है जो कि कॉम्बी ब्रेकिंग के तौर पर काम करती है। 80/112 के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा बदलाव है वो आपको इसके एलोबिल में मिलता है, 12 इंच के न्यू डिज़ाइन के यहाँ पर आपको ब्लैक कलर के एलोबिल मिल जाते हैं। और हेडलाइट सेक्शन की बात करें तो इसमें कोई भी अपडेट नहीं है। LED यहाँ पर आपको DRL मिल जाती है, स्प्लिट LED हेडलैम्प का सेटअप मिलता है। साइड प्रोफाइल में भी आपको 125 का ग्राफिक्स मिल जाता है, 155 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। इस स्कूटर का पहले से जो वेट है वो 6 kg कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको इसमें काफ़ी अच्छा माइलेज मिल सके, क्योंकि इसका जो कर्व वेट है वो यहाँ पर 110 kg का दिया गया है। यहाँ पर आपको सिंगल की पॉइंट मिलता है, कुछ इस तरह की मिलती है, यहाँ पर आपको कैरी हुक मिलता है। जैसा कि ये 2022 का मॉडल है तो यहाँ से आप इसकी डेट को देख सकते हैं। इसके सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो कंपनी ने इसका जो कंसोल है वो पूरा का पूरा चेंज कर दिया है। नीचे आपको XT का स्टिकर मिल जाता है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है 60 प्लस स्मार्ट फीचर्स के साथ, जिसके साइड में आपको इंडिकेशन की वार्निंग मिलती है। लेफ्ट में आपको प्रोफाइल डिस्प्ले मिलती है, जिसमें आपको 3 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, इको मोड, पावर मोड की यहाँ पर आपको रीडिंग मिलती है, लो फ्यूल की अलर्ट मिल जाती है, बैटरी की वार्निंग मिल जाती है। इसमें आपको स्ट्रीट मोड, स्पोर्ट्स मोड और राइड मोड शामिल है। यहाँ पर आपको ओडोमीटर, स्पीडोमीटर और ट्रिप मीटर शामिल किया गया है। इसमें एक वॉइस कमांड का फीचर्स भी मिलता है, जिसको एक्टिवेट करने के बाद आप इसकी डिस्प्ले में सोशल मीडिया अलर्ट जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फूड डिलीवरी नोटिफिकेशन, ई कॉमर्स नोटिफिकेशन, लाइव क्रिकेट स्कोर जैसी जानकारी देख पाएंगे। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्ट मिलता है, GPS नेविगेशन असिस्ट मिलता है, साइड में आपको स्विचेस मिल जाते हैं, जिसमें आपको अपर डिपर इंडिकेटर और हॉर्न का स्विच मिलता है। राइट हैंड साइड में आपको ऑटो मोड का स्विच दिया गया है, जो कि इंटेलिगो फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है। इसके सीट कंफर्ट की बात की जाए तो 770 mm की इस स्कूटर में आपको सीट हाइट मिल जाती है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी की इसकी सीट है। Ntorq की यहाँ पर आपको 3D के साथ बैजिंग मिलती है, लेमन ग्रीन कलर के साथ, 125 XT आपको स्टिकर के साथ मिलता है, डुअल टोन कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं, डार्क बैगनी कलर और लेमन ग्रीन कलर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। नीचे आपको एक कैरी हुक मिलता है, जिसमें आप थैला वगैरह लटका सकते हैं। साइड में एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं, जो कि फुली एल्यूमिनियम के दिए गए हैं। एग्जॉस्ट के ऊपर आपको CVTi रैप की ब्रांडिंग मिल जाती है, मफलर गार्ड के ऊपर की साइड में। साइड प्रोफाइल की बात करें तो कंपनी ने इसके जो स्टिकर हैं जो 3D के एम्बलेम है वो कंपनी ने पूरे के पूरे चेंज कर दिए हैं। इसके प्राइस डिफरेंस की बात करें तो Ntorq रेस XP एडिशन से ये स्कूटर 9,000 पे महंगा है। इसकी ऑन रोड कीमत है 1,23,000। इसके बूट स्पेस की बात करें तो 22 लीटर का यहाँ पर आपको सीट अंडर स्टोरेज मिल जाता है। ये इसके साइड व्यू मिरर हैं और मोबाइल को चार्ज करने के लिए यहाँ पर USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है, जिसमें डेटा केबल लगाकर आप अपने मोबाइल को सेफ तरीके से आसानी से चार्ज कर पाएंगे। इसके पीछे वाले सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर 5.8 लीटर की एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिल जाती है, लेमन ग्रीन कलर की फिनिशिंग मिलती है, स्प्लिट ग्रैब रेल मिल जाते हैं, LED टेललाइट दी गई है, बॉडी माउंट हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि हेलोजन के हैं, बीच में TVS की ब्रांडिंग मिलती है 3D के साथ। इसके रियर व्हील एरिया की बात करें तो यहाँ पर लेडी पिलियन फुटरेस्ट दिया गया है पैर रखने के लिए और 3 वाल्व का यहाँ पर स्टिकर है। सबसे नेगेटिव बात के इस स्कूटर में किक स्टार्ट का लीवर नहीं दिया गया, यहाँ पर एक जो होल है उसको प्लास्टिक से कवर किया गया है। अगर आप चाहें तो अलग से भी, जब भी आपका मन चाहे तो आप इसमें किक स्टार्ट का लीवर इंस्टॉल करा सकते हैं। रियर में भी आपको 110/80/12 के ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, 12 इंच के न्यू डिज़ाइन के ब्लैक कलर के एलॉय व्हील और टॉगल लिंक गैस फिलर, हाइड्रोलिक डैम्पर टाइप के सस्पेंशन,
इसमें दिया है 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक थ्री वाल्व फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर है 6.9 किलोवाट की, जिसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.5 न्यूटन मीटर का, जो कि रेस एक्सपी से थोड़ी सी कम है। इसके एक और नए अपडेट की बात करें तो साइड स्टैंड के ऊपर आपको इंजन कट ऑफ का सेंसर देखने को मिलता है, जो कि साइड स्टैंड लगा होने पर स्कूटर स्टार्ट नहीं होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं साइड स्टैंड लगा हुआ है, मैं सेल्फ लगा रहा हूँ तो ये स्टार्ट नहीं होगा। साइड स्टैंड को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो अभी हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं स्कूटर स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आपको इसके एग्जॉस्ट के साउंड को चेकआउट करा देता हूँ। तो बात करें इसके फाइनल प्राइस की, तो TVS Ntorq 125 XT एडिशन की एक्सोरूम कीमत है 1,02,000 रुपये और इस स्कूटर की ऑन रोड कीमत है 1,23,000, जो कि रेस एक्सपी एडिशन से 9,000 रुपये महंगा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें और DM ऑटो कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें।